हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस और इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन को देखेंगे और सेंटेंस के फॉर्मेशन को देख के समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो नेचुरली ये फ्यूचर टेंस के बारे में बताता है और फ्यूचर में किए जाने वाले किसी काम के बारे में बताता है। अगर मैं कोई एक एग्जाम्पल दूँ, तो अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल ही आपको सामने में दूँ, फॉर एग्जाम्पल तुम एक एप्लीकेशन लिखोगे या आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस को अगर हम देखें तो पता चलता है कि फ्यूचर में कोई आदमी काम करेगा और ये सिंपल फ्यूचर टेंस एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस है कि आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे या आप एक लेटर लिखेंगे या आप ये काम करेंगे। सो द सेंटेंस इज यू विल राइट एन एप्लीकेशन और यू विल राइट एन एप्लीकेशन और यू और यू विल राइट अ लेटर। इस पर्टिकुलर सेंटेंस को अगर मैं कहूं कि आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे, देन दिस इज एन एक्टिव वॉइस, क्योंकि इसमें डूअर इंपॉर्टेंट है। मैं पहले बता चुका हूं पहले के वीडियोज में कि डूअर्स इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इसी को मैं पैसिव में कन्वर्ट करूं तो सेंटेंस हो जाएगा कि एक लेटर आपके द्वारा लिखा जाएगा या एक एप्लीकेशन आपके द्वारा लिखा जाएगा। या अगर मैं डूअर का जिक्र नहीं ही करूं तो वैसी कंडीशन में सेंटेंस होगा कि एक लेटर लिखा जाएगा। कौन लिखेगा इसका हमें पता नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूं पहले के वीडियोज में कि डूअर के बारे में जिक्र करना पैसिव वॉइस में जरूरी नहीं होता, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। यू मे और यू मे नॉट यूज द डूअर इन पैसिव वॉइस। डूअर बगैर उसके भी कंप्लीट हो जाता है, बगैर डूअर के सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो मेरा सेंटेंस है कि आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे या आप एक लेटर लिखेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? नेचुरली हमें मालूम है कि फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमें यह भी मालूम है कि फर्स्ट पर्सन यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों आई एंड वी के साथ शैल लगता है और बाकी सबके साथ हम विल लगाते हैं। सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम विल लगाते हैं। तो मेरा सेंटेंस बहुत ही सिंपल है, आप एक लेटर लिखेंगे। काम करने वाला यानी डूअर कौन है? आप यानी यू। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा विल और काम है लिखना यानी राइट और ऑब्जेक्ट यानी किस चीज को लिखना, तो अ लेटर या एक एप्लीकेशन यानी एन एप्लीकेशन। तो हमारा पूरा सेंटेंस बना यू विल राइट अ लेटर। लेकिन अगर इसी को मैं पैसिव में कन्वर्ट कर दूं तो मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। यानी हमारे सेंटेंस की शुरुआत लास्ट चीज लास्ट यूनिट यानी ऑब्जेक्ट से होगी और ऑब्जेक्ट है अ लेटर। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट विच हैज बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस विच हैज बिकम द सब्जेक्ट हियर प्लस शैल बी या विल बी। फ्यूचर है इसलिए शैल या विल का यूज होगा। और पहले वीडियोस में ही मैं आपको बता चुका हूं, ये जानकारी अब आपके लिए नई नहीं है, कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के तीसरे फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? एक लेटर आपके द्वारा लिखा जाएगा। किस चीज की बात हो रही है? एक लेटर की यानी अ लेटर। अब हमें मालूम है कि एक लेटर के साथ हम शैल या विल में से क्या लगाएंगे, तो नेचुरली विल बी पुटिंग विल। तो अ लेटर विल बी वर्ब का तीसरा फॉर्म, write, wrote, written. A letter will be written by you यानी doer के द्वारा, agent के द्वारा, तो वैसी condition में by you. तो हमारा पूरा sentence हो जाएगा A letter will be written by you. Active voice में you will write a letter, passive voice में a letter will be written by you. मैं एक नया video बनाऊंगा, I shall make a new video. Passive voice, एक नया video मेरे द्वारा बनाया जाएगा। A new video will be made by me. तो मेरा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है आई शैल मेक अ न्यू वीडियो और पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाएगा अ न्यू वीडियो विल बी मेड बाय मी। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आई शैल ईट अ मैंगो यानी मैं एक आम खाऊंगा, मैं एक चॉकलेट खाऊंगा, आई शैल ईट अ चॉकलेट। पैसिव वॉइस में अ मैंगो विल बी ईटन बाय मी और अ चॉकलेट विल बी ईटन बाय मी। तो इस तरीके से हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जानकारी आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के इस पर्टिकुलर सेगमेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझने में मदद करेगी और आपका काम आसान होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल टू। थैंक यू सो मच।